नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि न्यूज और मैं हूं आपके साथ सोनिया शर्मा। वक्त हो चला है खबरों का, तो आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। संवाददाता सुरेश पालता की रिपोर्ट के अनुसार नोनेरा विद्यालय में वार्षिकोत्सव एवं भामाशाह सम्मान समारोह। संवाददाता दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट के अनुसार शहर के रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र इलाके में देर रात जेपी कॉलोनी के पास रेलवे ट्रैक पर युवक का शव मिला, जिसकी पहचान सरस्वती कॉलोनी गली नंबर 2 निवासी हमेंद्र कश्यप के रूप में हुई। संवाददाता फिरोज खान की रिपोर्ट के अनुसार सिसवाली के गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह में स्कूली छात्र छात्राओं ने दी देशभक्ति से ओतप्रोत रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां। संवाददाता प्रेम शंकर शांत की रिपोर्ट के अनुसार अंता में खान गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया के नेतृत्व में निकली कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की रैली। संवाददाता अल्ताफ मंसूरी की रिपोर्ट के अनुसार निवाई ब्लॉक स्तरीय मुख्य समारोह में 56 प्रतिभाएं हुई सम्मानित। संवाददाता अल्ताफ मंसूरी की रिपोर्ट के अनुसार निवाई ब्लॉक स्तरीय मुख्य समारोह में 56 प्रतिभाएं हुई सम्मानित। संवाददाता दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट के अनुसार कोटा एंकर गुमानपुरा इलाके में बीच सड़क पर बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला का पर्स लूट लिया। कोटड़ी गुमानपुरा रोड पर बीती रात हुई इस वारदात की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। संवाददाता सुरेश पायता की रिपोर्ट के अनुसार इटावा में सरपंच संजीदा पठान ने किया पंचायत मुख्यालय पर ध्वजारोहण। संवाददाता इंसाफ अली की रिपोर्ट के अनुसार छिपापड़ोत पंचायत समिति कार्यालय में कार्यरत सहायक विकास अधिकारी हरीश यादव को योजनाओं के सफल क्रियान्वयन एवं कार्य के प्रति तत्परता एवं आवास शाखा में कार्यरत कनिष्ठ सहायक हेमराज नागर को आवास योजना की प्रगति में विशेष योगदान एवं कार्य के प्रति पूर्ण ईमानदारी से कार्य करने पर उपखंड स्तर पर आयोजित गणतंत्र दिवस पर सम्मानित होने पर प्रधान के द्वारा दोनों कर्मिकों का पंचायत समिति की ओर से सम्मानित किया गया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए देश हित की बात मातृभूमि न्यूज के साथ। धन्यवाद।